सीक्रेट ऑफ माय किचन, मैं शायना शेख आज बना रही हूँ चिकन अफगानी। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और उसी के साथ साथ पकाना बताऊंगी। समय पहले मैंने चिकन ली, उसको अच्छे से धो के वॉश करके रखी हूँ विनीगर और सॉल्ट के पानी में। आपको लगेगा तेल, नमक, कोथमीर, पुदीना, प्याज, ये छोटी थी तो मैंने दो ली, बड़ी रहेगी तो एक ही लेना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। अब ये सबको एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, कोथमीर, पुदीना, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज। और एक आधा नींबू का रस। मसाला पीस के रेडी हो चुका है, अभी ये चिकन में ऐड करेंगे। इसके अंदर एक एक करके मसाला ऐड करेंगे, पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी, दही। नमक अब आपके टेस्ट के हिसाब से लेना, फ्रेश क्रीम या आप घर की मलाई भी ले सकते। ये सबको अच्छे से मिक्स करना है आपको और कम से कम आधे या एक घंटे के लिए मैरिनेट करना है। ये जो फ्रेश कोथमीर और पुदीना है, अदरक लहसुन है और कसूरी मेथी, ये सबका अभी से बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आ रही है। पैन लेके उसके अंदर तेल ऐड करेंगे। अभी एक एक करके ये चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। इसमें अभी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सब फ्रेश जो मसाला हमने पीसे उसका। और कभी भी फ्रेंड्स से आप याद रखना, फ्रेश मसाला जो पीस के हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो उसकी जो खुशबू रहती है ना वो तो एकदम दुगना हो जाती है और उसका टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साइड से ये देखो ऐसे कलर आ चुका है अच्छा सा, अभी टर्न करेंगे। बिना काजू और ड्राई फ्रूट के बहुत ही क्रीमी और टेस्टी ग्रेवी बनता है। ये चिकन दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, अभी मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। इसके अंदर बटर डालेंगे थोड़ा सा, बचा हुआ मसाला डालेंगे। इसको पहले फुल करेंगे और एक बॉईल लेंगे, फिर अच्छे से भूनेंगे इसको, स्लो पे ढक के पकाऊंगी मैं।
जब तक ये ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है और दही का पानी सूख नहीं जाता है। मसाला अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं बटर और ऑयल सेपरेट हो चुका है और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी और मलाई भी डाल रही हूँ दूध की। ये थिक ग्रेवी बनता है तो मैं ज़्यादा दूध नहीं ऐड कर रही हूँ। एक और ये ग्लास में दूध डाल रही हूँ क्योंकि ये छोटा सा ग्लास है। अब इसके अंदर ये फ्राई करा हुआ चिकन ऐड करेंगे। एक बॉयल आएगा उसके बाद इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि चिकन कंप्लीट पक नहीं जाता। चिकन बन के रेडी हो चुका है, अब इसको कोयले का धुआं देंगे। थोड़ा सा तेल या घी डालेंगे और उसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। मेरी रेसिपी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा सा कोथमीर और मिर्ची डालेंगे और डिश आउट करते हैं।